सर जी, मेरा पास विजिट वीज़ा है, क्योंकि विजिट वीज़ा बहुत जल्दी निकल जाता है विदाउट एजेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं विजिट वीज़ा लेके क्यों ना आ जाता हूँ यूरोप कंट्री, यूरोप कंट्री आके कुछ दिन काम करूँगा, उसके बाद तो उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मित्र अनु, मित्र पर ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो में बताऊँगा विजिट वीज़ा में अगर आप यूरोपियन कंट्री में आते हैं, कोई भी यूरोपियन कंट्री, संगन कंट्री में आते हैं, तो अब क्या उसको कन्वर्ट कर सकते हो वर्क वीज़ा। चलिए, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए तो सब कुछ आपको जानकारी मिल पाएगा। तब तक आप पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके भी करके रखिए, क्योंकि मैं जब भी नया नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी क्या हुआ है ना, इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम पड़ रहा है वीज़ा की। तो लोग सोच रहे हैं कि, मतलब इसे कमेंट भी आया है मेरा पास, कि हम विजिट वीज़ा निकाल रहे हैं और यूरोप कंट्री आ जा रहे हैं, ठीक है, पोलैंड कंट्री आ जा रहे हैं। आ जाके मेरा दोस्त है चाहे मेरा रिश्तेदार है, उनका पास रहेंगे और काम ढूंढ के काम करेंगे, बाद में उसको वार परमिट में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, ये क्या संभव है? आप क्या सोच रहे हो, ये संभव वाली बात है? तो दोस्तों, अगर ऐसा विचार है आपका मन में, तो ये कभी संभव होने वाली बात नहीं है, क्योंकि विजिट वीज़ा विजिट के लिए होता है, 3 महीने की वीज़ा आपको मिलती है। आप यहाँ पर आके विजिट करके जा सकते हो, काम भी नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी अगर आपको काम भी दे दिया है तो समझ लीजिए वो वर्क परमिट निकल के दे नहीं पाएगी, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या होता है ना, काम पे तो आदमी को रख लेते हैं, बाद में वर्क परमिट निकलने के लिए जब अप्लाई करते हैं ना, तो आपके नाम पर वर्क परमिट नहीं निकलेगी, क्योंकि आपका पास कोई वर्क वीज़ा नहीं है, विजिट वीज़ा है। विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कम, मतलब उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो मन में से ये दिमाग तो आप हटा दीजिए, आप ज़रूर से ज़रूर आप कोशिश कीजिए वर्क वीज़ा लेने के लिए, ठीक है। वीज़ा की तो A, B, C, D टाइप होता है, आपको जानते ही होंगे, ठीक है। आप जो ब्लू का कार्ड वाली वीज़ा होती है वो कम से कम लेने के लिए कोशिश कीजिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा यहाँ पे मिल रही है जी, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है ट्रक ड्राइवर और ये जो स्किल वर्कर की, जैसे हो गया बिल्डर, फिटर, ठीक है, स्किल वर्कर की, ये सभी चीज़ की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि पहले यहाँ पे इंडियन आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इंडियन आदमी को यहाँ पे मतलब रखते थे काम पे। लेकिन जब से रूसिया और यूक्रेन के युद्ध चला था, यूक्रेन वाला आके जो छोटा छोटा काम चीज़ था, जैसे कि क्लम्बर के काम हो गया, जैसे कि हेल्पर के काम हो गया, क्लीनर के काम हो गया, ये सभी काम उन लोग फिलअप कर दिए। तो जो हार्ड वर्क वाला काम है ना, वो सभी काम के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से उन लोग हायर करते हैं। भले बांग्लादेशी लोग तो चले जाते हैं सिंगापुर, सिंगापुर से वो लोग जैसे ही वीज़ा प्राप्त करके आ जाते हैं, इंडिया वाले के लिए थोड़ा अभी मुश्किल हो रहा है वीज़ा के लिए, लेकिन फिर भी आपका लोग का हिसाब से अगर वीज़ा मिल गया तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडेड वही चीज़ किया था, वेयर हाउस का जो फ्रंटली ऑपरेटर हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, वेल्डर, फिटर, ये सभी हो गया, इलेक्ट्रीशियन, ये सभी का ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको वर्क परमिट तो मिल ही जाएगा 1200-1300-1400 यूरो में। दोस्तों, वर्क परमिट मिल जाने के बाद, वर्क परमिट 3 साल की मिलती है, उसके बाद आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट भी मिल नहीं रही है, सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट की प्रॉब्लम पड़ रही है। अपार्टमेंट मिल रहा है तो वीज़ा का प्रॉब्लम पड़ रहा है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आप कोशिश करते रहिए, 3 साल के अंदर कभी ना कभी आपको तो वीज़ा मिल ही जाएगी। वीज़ा मिलने के बाद यहाँ पे आ सकते हो। अब फ्रॉड का चक्कर में मत जाइए, एजेंट आपको बोलेगा कि मैं वीज़ा दिलवा दूंगा, वो करवा दूंगा, वो एक्स्ट्रा पैसा भी ले लेगा, झूठ मूठ के वो बोलते हैं कि यहाँ पे आओगे तो आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मिलेगा, ये सभी बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे आओगे तो कैसे भी 1 लाख रुपये तो आप कमा सकते हो, और कंपनी आपको ड्रेस, जूता, मोजा सब कुछ प्रोवाइड करेगी, ठीक है, कंपनी का तरफ से रहने को भी रहेगी। लेकिन खाने के लिए अपना पैसा से खाना है, और खाना भी खुद बनाना है। जिस व्यक्ति ने अगर अपना हाथ से एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पिया, वो व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खाना खुद बनाना है, सामान खुद लेके आना है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी खुद करना है, ये सभी चीज़ अपने से करना है, क्योंकि यहाँ का आदमी भी ऐसे ही है, बने
70-80 साल हो जाने से भी सभी काम अपना हाथ से ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था मैटर। विजिट वीज़ा वाला मौत सोची कि यहाँ पे आके वर्क परमिट में उनका जो वीज़ा को कन्वर्ट करके यहाँ पे काम करके कुछ कमा लेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर जानकारी मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर कीजिए। इस तरह वीडियो आपको हर मतलब हफ्ता में 3 बार तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इस तरह वीडियो आपको मैं देते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।